हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वाई के गोट लवर। दोस्तों आज मैं हूँ पुणे वड़की नाले में A1 गोट फार्म पर और अभी हमारे साथ में अक्षय भाई। अक्षय भाई नमस्कार। नमस्कार अक्षय भाई, काफ़ी बार आपके वीडियो बना चुका हूँ माशाल्लाह। एक बार पलाय का भी वीडियो बनाए थे हमने। हाँ, तो इस बार आप माशाल्लाह थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे। हाँ, क्या ना केजेस वगैरह प्रॉपर बनाए, एकदम प्रॉपर केजेस बनाए। अच्छा, प्लास्टिक फ्लोरिंग के साथ अपन केजेस वगैरह एकदम, मतलब 4x6। तो अभी प्रॉपर आप जैसे कि पलाय का काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, और काफी सारे आइटम्स है उसके बारे में बात करेंगे हम, क्या क्या देने वाले। जैसे कि तो जैसे कि पुणे में काफी सारे फार्म है। हाँ, आपके पास क्यों देना चाहिए बकरा? क्या अपन इसका मतलब फीडिंग वगैरह अच्छा बनाते हैं बकरों को? फीड बना के अपना खुद का बनाते हैं अपन, फीड वही देते हैं ग्रेड वगैरह करके। तो पहले हम जैसे कि फीड से शुरुआत करेंगे। हाँ, आपके क्या खिलाते, फिर इंशाल्लाह अंदर आके फार्म भी दिखाएंगे आपका। हाँ, हाँ, और जैसे कि पलाय के बारे में बात करेंगे। हाँ, प्राइसिंग के। हाँ, ठीक है, तो ये 6 चीज आपने निकाले यहाँ पे। हाँ, हाँ, एक तो चीज मुझे समझ में आ रही है तुअर। हाँ, है ना, तो तुअर का क्या काम है जरा बताइए। तुअर का कैसा फाइबर आइटम है जरा, उसमें मतलब नहीं कि दाना भी नाच पचा देते हैं उसके, नहीं कि जुलाब वगैरह करने का चांस नहीं रहते, इसलिए सुक्का जो आइटम रहता है वो सब फाइबर का ही काम करते। ओके ठीक है, तो जैसे कि अभी ये पहले बात कर लेते हैं हम, ये बाजू में क्या है? ये गेहूं का भूसा है। गेहूं का भूसा। हाँ, मतलब ये दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। अपन क्या करते हैं, जैसे सीजनेबल, अभी सीजन आएगा, अभी इसका आएगा सोयाबीन भूसे का आएगा। ओके, उसके बाद मूंगफली का भूसा, मतलब जो भूसे अवेलेबल होते हैं ना वो अपन मिक्स डाल देते। एक्चुअली आपके यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि भाई आप खुद उगाते यहाँ पे सारी चीजें और खिलाते अपने बच्चों को, है ना, ज्यादातर आप खुद ही उगाते। कुछ कुछ चीजें जैसे कि बाहर से लाते हैं। अभी मूंगफली का भूसा अपना खुद का ही घर का हो जाएगा अभी 1-1.5 महीने के बाद, नहीं क्या, तो वो चालू हो जाएगा। उसके बाद सोयाबीन का भी आएगा भूसा। और ये तो काफी लोगों को पसंद है, हरी पत्ती। हरी पत्ती पता है, तो देना ही पड़ती है, वो तो देना ही पड़ता है। हाँ, ठीक है, और ये क्या है? ये सुबह में आपने ना, ये मतलब ये ग्रेड है, उसमें भी 3-4 प्रकार का अनाज है, उसमें बाजरी है, गेहूं है, दाल रहती है 2-3 प्रकार का। अच्छा, उसका ग्रेड आता है वो और हरी पत्ती मिला के वो सुबह में देते है, उसके बाद अपन भूसा देते हैं मिक्स। ओके, और शाम में फिर हरा ये जो कुट्टे रहते है ना वो देते है, और शाम को पाला डालते है। ठीक है, और ये क्या चीज है? ये अपना मेन फीड यही है, मिक्स फीड है। ये कभी आते आप? ये शाम को एकदम 7:30-8 बजे तक। अच्छा, यानी कि सूरज डूबने के बाद। हाँ, सूरज डूबने के शाम को सब लास्ट इसमें होता जाता है, लास्ट देखे। हाँ, खत्म। उसमें बहुत ही इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसमें ये अभी ग्रेड किया है तो आपको दिखेगा नहीं ज्यादा, तो बता दीजिए ना। उसमें मक्का है, चने का ग्रेड, मतलब पाउडर बना है। अच्छा, चुन्नी? हाँ, चुन्नी नहीं है, मतलब अपन बनाए डायरेक्ट, खुद ने बनाया आपने। हाँ, चना डायरेक्ट, ये डाल के, चना डाल के। ठीक है, और उड़द है उसमें, सोयाबीन का भी है, ये नीम का पत्ता भी दिख रहा है, नीम का पत्ता भी डालते हैं अपन उसमें। ओके, ओके। तो जरा ये नहीं होना इसलिए डाइजेस्ट अच्छा, और उसमें ये रहता है, पेंट रहता है, शंगदाना पेंट का भी अपन ग्रेड करके डालते हैं। जैसे एक 60 किलो का बकरा है तो कितनी मात्रा में देते हैं आप उसमें? अपना एवरेज तो अपन कम से कम 10 किलो बकरे के लिए 100 ग्राम। अच्छा, तो उससे ज्यादा भी खाएगा, डाइजेस्ट करेगा तो ज्यादा भी देते। अच्छा, यानी कि 50 किलो के बकरे को 600 ग्राम। हाँ, 500 ग्राम देते हैं, उससे ज्यादा भी खाएगा तो ज्यादा भी देते, मतलब उसका ये देख के धीरे धीरे बढ़ाते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, और ये इसमें काफी सारी चीजें मिक्स है आप? हाँ, इसके भी 3-4 चीजें मिक्स रहते हैं उसमें, दशरथ घास रहता है, मक्का रहता है, ये कुट्टी सब मिक्स की कुट्टी रहते है। अभी बाजरी चालू है तो बाजरी का भी कुट्टी है उसमें। और ये आपकी जैसे कि खुद ने उगाया है? हाँ, उसमें लेपर है, नेपियर भी है, दशरथ घास है जी। और हमने जैसे कि पीछे आपका दौरा किया। हाँ, हाँ, आपके खेत में। हाँ, तो क्या क्या जैसे कि और खिलाते हैं हरे चारे में? उसमें ना अपने पास पाले में, मतलब है ना जो पत्ते खिलाते, उसमें बर्ड का भी पत्ता अवेलेबल रहता है। अपने बर्ड ने दिखाया नहीं, बर्ड का पेट जरा लंबा है, उसमें सुबाबल है, शिवरी है, हदगा है, तुत्ती है। अच्छा, ये चीज खिलाते हैं। और कुट्टी में अपन मक्का का कुट्टी रहता है, उसमें दशरथ घास रहता है, स्मार्ट नेपियर रहता है, फोरजी नेपियर, ये मिक्स करके खिलाते हैं। उसमें बाजरे का, कभी ज्वारी का कड़वा भी रहता है।
तो जैसे कि अभी इतने सारी चीजें तो माशाल्लाह मैं पहले टाइम भी सुन चुका हूँ आपके मुंह से कि भाई आपने बताया था, तो अदर्स फार्म पे तो ये जैसे कि नाम भी सुनने नहीं मिलते, तो ये परवड़ता क्या जैसे कि आप खिला रहे हैं? नहीं, आप परवड़ता मतलब अपन जरा घर का इतने थोड़ा ये होता है, कॉस्ट में थोड़ा कम पड़ता है, मगर बाहर होगा तो इतना खिलाते क्या लोग बोलेंगे कि भाई ये सिर्फ बोलने को बोल रहे हैं भाई? खिलाते है ना, अभी आएगा तो देख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि कोई खाली का ऐसा हरा चारा है ना, अपन लगे स्टार्ट नहीं करते बकरे को, अच्छा एक महीना 15 दिन के बाद धीरे धीरे चालू कर देते। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अंदर फार्म भी दिखाएंगे। तो काफी सारी आप जैसे कि आपने हरे चारे के बारे में बता दिया है, ये आपका फार्म है और आपने जैसे कि अभी बनाया है, अपन इसमें ग्रेड कर देते हैं सब, मतलब अनाज विनाज रहता है ना। हाँ हाँ। ये चक्की में ग्रेड करके डालते हैं, एक्चुअली वो अदरक लहसुन वगैरह मिर्ची पीसते वो मशीन है? नहीं नहीं, अपना मतलब ये पर्वराइजर है, मतलब जो अपन चक्की में आटा बनाते है ना, वही चक्की खाली उसकी जाली बड़ी करके उसमें दाना पिसवाते अपन। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये आपके फार्म में आ चुके हैं। अच्छा भाई, आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा। ये आपने यहाँ पे एक्चुअली दो टब लगाए हुए हैं। हाँ। एक ये फीडिंग का है और एक फीडिंग का है, इसका पानी का, पानी का भी जिसमें वो निकला था अपन। सारे अनाज वगैरह दिखाया हमने, जो भी फीड दिखाए ना। कितने केज बनाए आपने अभी? 16 केज है। 16 केज है, क्या साइज के बनाए? 4x6 का है। 4x6 इनफ रहता है बकरी के लिए? एकदम बड़ा केज है, उसमें छोटे बच्चे रहते दो भी रह सकते हैं, इतना बड़ा केज। ये पीवीसी फ्लोरिंग बिठाया आपने? हाँ। तो पीवीसी फ्लोरिंग बिठाने का क्या उद्देश्य है? जैसे कि लोग तो लकड़ी बिठाते भाई, नहीं बकरा गंदा नहीं होता है इसमें, और पेशाब क्या होता है लकड़ी के फ्लोरिंग पे, पेशाब से ना गीला ही रह जाता है, सूखता नहीं, इस पे जल्दी सूख जाता है तुरंत। अच्छा, इसमें यानी कि बकरा हाइजीन रहता है? हाँ, हाइजीन रहता है ना, और बीमारी वगैरह से दूर, बीमारी नहीं। तक लकड़ी और क्या होता है, लकड़ी में जो चिचड़ का भी ज्यादा डर रहता है। ओके, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम? ये आपने कितना ऊपर रखा है, 1.5 फुट रखा है ऊपर? नहीं, 2 फीट 21 इंच। ओके, 21 इंच रखा हुआ है आपने साफ सफाई करने के लिए? साफ सफाई, साफ सफाई। कुछ बकरे आए आपके पास पाले पे? हाँ, अभी 6 बकरे है ना अपने पास पाले, दिखाते मतलब आप नहीं दिए वो बकरे पार्टी को? अच्छा, तो आप जैसे कि बकरे भी लाके देते हैं? हाँ, मतलब आए बकरे पार्टी को पसंद आए तो दे देते। आप ये सोड़ा जाइए यहाँ पे से, उजाला रहे, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये हंसा है क्या? हाँ, जेपी हंसा है। जेपी हंसा? हाँ। ओके ठीक है, जेपी हंसा है। क्या वेट पे आया है आपके पास ये अपने पास आया तो 29 किलो, अभी तक उसका वेट नहीं किया है। अभी तक वेट नहीं किया, कितना समय होगा आके? इसको अभी 1 महीने के आसपास हुआ होगा, उसका वैक्सीन वगैरह अभी पीपीआर का होगा है वैक्सीन इसका। अच्छा, तो ये जैसे कि आपका कोई पला पे देता है बकरा? हाँ, पूरा वैक्सीनेशन अपने पास फ्री। कितने वैक्सीन करते हैं आप? अपन वैसे 6 वैक्सीन करते हैं टोटल, पीपीआर, एफएमडी, एचएसबीक्यू, और ये वोट पॉक्स, और ET+TT। तो ये इतने चीज आप जैसे कि एक ही टाइम पे इंजेक्ट करते हैं तो बकरे को दिक्कत नहीं? एक टाइम नहीं होता है फिर, वो कम से कम वो इतना वैक्सीन बनाने के लिए 3 महीने जाता है, 2.5 से 3 महीने जाता है। तो कम से कम आपके पास जब पलाई पे देंगे हमारे व्यूअर, तो कितना समय रखना पड़ेगा आपके पास? आपने पास कैसा इतना, कम से कम पूरा वैक्सीन करना होगा तो 3 महीना बकरा रखना ही पड़ता है। अच्छा, तो मिनिमम आपके पास 3 महीना बकरा रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अगर किसी का मन बदले तो लेके आ सकता है? हाँ, लेके जा सकता है। यानी कि 1-2 महीना तक नहीं रह सकते? 1-2 महीने में कैसा होता है, आप बकरा सेट करने में उतना टाइम जाता है, फिर उसमें अपना भी बहुत खर्चा लग जाता है, मेहनत भी होती है। पहले 1-2 महीने में कुछ परवड़ता नहीं, वैक्सीन वगैरह उसमें रहता है, तो 3 महीने के बाद पार्टी लेके जा सकती है। अक्षय भाई देखो, मैं कैसे बोलता तो नहीं हूँ इसको, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो तैयारी रहती है ना, मुझे काफी पसंद आती है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो बकरे का जैसे कि देखो, आप मैं देख रहा हूँ तो फीड खाली नहीं रहता है आपके पास, भरा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो जैसे कि अभी पले के बारे में बात कर लेंगे, कितने चार्जेस लेंगे भाई? अपन 40 किलो के अंदर का बकरा रहेगा तो 2000 लेंगे, सॉरी 2500 लेंगे। ओके, और उसके ऊपर के बकरे को 3000, और 60 किलो के आगे का होगा 3500 रुपए। अच्छा, यानी कि लास्ट पले आपके पास जैसे कि 3500 रुपए है, तो बकरा यानी कि 60 किलो के ऊपर ना? हाँ, 60 किलो के ऊपर होगा तो 3500 रहेगा, 40 के और 60 के बीच के रहेगा उसको 3000, और 40 का नीचे का होगा 2500। अभी नॉर्मली तो जो जिंग रहते हैं, बैंटम रहते हैं, ठीक है, तो ये तो 40 के ऊपर जाते ही नहीं है बहुत, आप जाएंगे आपके पास ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छा खिलाएंगे वगैरह तो जाएंगे। हाँ। तो उनका कितना पले लेंगे? 2500 रुपए। 2500 रुपए। हाँ। तो उसमें जिंग भी आते हैं? जिंग आते हैं, बर्बाद आते हैं। कौन सा भी ब्रेड कर रहे हो, बकरा कौन सा ब्रेड करेगा, 40 किलो का नीचे रहेगा वो 2500 रुपए। हाँ। और उसके ऊपर का रहेगा 60 किलो तक 3000 रुपए, और 60 किलो के ऊपर का रहेगा वो 3500। ठीक है, तो जैसे कि हमारे काफी सारे भाई फार्म चलाते हैं, तो जब नया फार्म खोलते हैं तो कुछ जैसे कि ऑफर देते हैं, कुछ ऑफर देना चाहिए? ऑफर आपने पास, ऑफर मतलब कंटिन्यू ऑफर रहेगा उसको, जो खुर बीर बनाने का, बाल बिल कटवाने का, वो सब फ्री रहेगा। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उसके अंदर, उसका कुछ टूटा बीटा होगा या किसका, तो
उसका बनाने का भी जो बनता होगा सिंग तो अपन बना के देंगे। अच्छा, यानी कि किसी बकरे का जैसे कि ये बकरा है तो इसके सिंग थोड़ा सा पतले, तो इसने धड़की वगैरह मार के सिंग तोड़ दिया, किधर से बाहर से दूसरा सिंग भी वही लेवल करके उसी चार्जेस में दे देंगे, है ना? जैसे कि तीन बनने वाला होना चाहिए खाली, नहीं तो क्या होता है ज्यादा नीचे का नहीं, कहीं निकला होगा उसका नहीं, क्या मतलब अंदर का ये, तो वो बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, जो बन जाएगा वो बना देंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी पलाई पे यहाँ पे देना है आपके पास, तो जैसे कि एडवांस देना होता है पलाई या एक महीने का देना चाहिए? नहीं, महीना भरने के बाद भी देगा तो कुछ प्रॉब्लम। अच्छा, महीना भरने के बाद? खाली महीना भरने के बाद, तीन महीने तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर तीन महीने के बाद नहीं क्या पलाई नहीं देगा तो आगे का ये हो जाएगा मतलब। अच्छा, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाया आपने जैसे कि? डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं बनाया, बना के लेंगे आप, बना के ले लेंगे। हाँ ठीक है, तो हर महीने कितना वेट गेन देंगे जैसे कि एक बकरा? वेट गेन कैसे आप बता के नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रीड के ऊपर भी रहता है, बकरे के ऊपर भी रहता है, मगर 3 किलो से 6 किलो तक बकरा जाता है। जी जी, अभी तो एक आधा बकरा बीमार रहेगा तो थोड़ा कम जाता है, 19-20 होता है। ठीक है, तो मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि भाई इनके जो हमने ईद के समय में बकरे बताए थे तो वो एक वीडियो एक बार आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा भाई अक्षय भाई की तैयारी कैसी रहती है। तो एक जैसे कि जो भी भाई बकरा देना चाहते हैं तो पहले शुरुआत एक बकरे से करें, एक बकरा देके देखो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको फायदा लगा तो आप 2, 3, 4 जो भी जितने बकरे देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो अभी जगह कितनी खाली आपके पास? अभी 10 केजेस है खाली। 10 केजेस खाली है, और मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे कि और केज बढ़ाने वाले हैं। बढ़ाने वाले आगे मतलब आएंगे तो ये 10 केज फुल होने के बाद में और केज आप बनाएंगे, जैसे कि 2-3 महीने में वो भी मुकम्मल हो जाएंगे, फिर आगे और पलाई लेंगे आप, है ना भाई? ठीक है अक्षय भाई, काफी सारी बातें कर ली है, जो भी जैसे कि पॉइंट्स थे वो मेरे क्लियर हो गए। ठीक है, तो और कुछ पॉइंट रहेगा पार्टी फोन करके आपने को बोल सकते हैं, आपने नंबर देंगे तो उसमें अपन क्लियर कर देंगे उसको। ठीक है अक्षय भाई, तो वीडियो को एंड करता हूं मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।